नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे पाम तेल की पूरी कहानी। और पाम तेल की पूरी कहानी में सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त पाम तेल में हुआ क्या है। पाम तेल में हुआ ये है कि पाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आ गई है और रिकॉर्ड ऊंचाई से जो कि इसी साल पाम तेल ने छुआ था वहाँ से पाम तेल के दाम 50% से ज़्यादा गिर गए हैं और ये 7270 रिंगिट से घटकर 3400 रिंगिट प्रति टन के नीचे आ गया। ये सिर्फ 6 महीने की बात है। पिछले 6 महीने में 50% से ज़्यादा पाम तेल के दाम घट गए हैं और भाव गिरकर जो मलेशिया का वायदा बाजार है जो कि दुनिया भर में बेंचमार्क माना जाता है पाम ऑयल के प्राइस के लिहाज से, वहाँ पर भाव 21 महीने के निचले स्तर पर पहुँच चुका है। अब आपको बताते हैं कि दाम बढ़ने गिरने की पूरी कहानी पाम की है क्या। हुआ ये कि जब यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया भर में खाने के तेल के दाम बढ़ने लगे और बहुत दुनिया भर में हाहाकार मचा एडिबल ऑयल की कीमतों पर, तब इंडोनेशिया जैसे देश जो कि पाम तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसको बैन लगाना पड़ा पाम तेल के एक्सपोर्ट पर। और जब पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया इंडोनेशिया की तरफ से, तब बहुत बड़ी हलचल मची ग्लोबल मार्केट में क्योंकि वहाँ से बड़े पैमाने पर ऑयल का एक्सपोर्ट होता है दुनिया भर में। और जब बैन लगा तो उसके बाद इंडोनेशिया में पाम तेल का भारी भरकम स्टॉक जमा हो गया और करीब करीब बैन के महज तीन हफ्ते के अंदर 25 लाख टन के आसपास का स्टॉक इंडोनेशिया में बढ़ गया और ये 66 लाख टन के पार चला गया 2021 की शुरुआत के मुकाबले। और उसके बाद इंडोनेशिया में दाम बहुत तेज़ी से घटे, किसानों का विद्रोह शुरू हुआ, किसान सड़क पर आ गए, किसानों ने कहा कि उन्हें नुकसान हो रहा है जो पाम के किसान थे क्योंकि उन्हें सस्ते भाव पर पाम बेचना पड़ रहा है। लिहाजा बहुत लंबे वक्त तक इंडोनेशिया बैन लगाकर नहीं रख पाया और उसे जल्द बैन हटाना पड़ा। और जब इंडोनेशिया का बैन हटा तो उसके बाद दुनिया भर में इंडोनेशिया के पाम की सप्लाई बढ़ी, भारत को भी बड़ा फायदा हुआ, भारत एक बड़ा इम्पोर्टर है इंडोनेशिया के पाम तेल का, और उसके बाद यहाँ पर दाम घटने शुरू हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि पाम इतना खास क्यों है। पाम इतना खास इसलिए है क्योंकि पूरे ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। 40% जो टोटल ग्लोबल सप्लाई है पाम तेल की, उसमें 40% जो हिस्सेदारी है, जो खपत है वो सिर्फ पाम तेल की है। 32% खपत है सोया तेल की और 15% की खपत के साथ कैनोला ऑयल तीसरे नंबर पे है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए पाम तेल काफ़ी खास है। और इंडोनेशिया क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है पाम तेल का उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडोनेशिया करता है 30% से ज़्यादा का। लिहाजा इंडोनेशिया में पाम तेल को लेकर जो भी फैसला होता है उसका बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की कीमतों पर देखने को मिलता है। और जब दाम बढ़े थे और उसके बाद जब बैन लगाया गया तब दुनिया भर में इसका बड़ा असर हमने देखा। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत के लिए आखिर ये पाम तेल इतना अहम क्यों है। आज हम आपको पाम की पूरी कहानी क्यों बता रहे हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि भारत जितनी खपत करता है, जितना हम इम्पोर्ट करते हैं पाम तेल का, हमारा जो टोटल इम्पोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हम पाम तेल का करते हैं। हमारा जो टोटल इम्पोर्ट है ऑयल का उसमें 50% के आसपास का इम्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ पाम तेल का होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हम इंडोनेशिया से करते हैं। और इसलिए ना सिर्फ पाम तेल हमारे लिए खास है बल्कि इंडोनेशिया का मार्केट भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सबसे ज़्यादा वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं और आपको बता दें कि इंडोनेशिया से करीब करीब ईयरली हम 55 लाख टन के आसपास का पाम तेल इम्पोर्ट करते हैं। और अब चूंकि दाम बहुत घटे हैं और इंडोनेशिया को अपना स्टॉक निकालना है, इंडोनेशिया तरह तरह से इंसेंटिव दे रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर, लिहाजा भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं एडेबल ऑयल के। हमारी जो खपत है उसमें हम 60-65% एडेबल ऑयल का इम्पोर्ट करते हैं, लिहाजा हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि हमें सस्ता तेल मिल रहा है इंडोनेशिया से। और इसीलिए अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 9% के आसपास का इम्पोर्ट भारत में पाम तेल का बढ़ सकता है और ये बढ़ के 84 लाख टन के आसपास पहुंच सकता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ है, पिछले दिनों जो हमारा इम्पोर्ट बढ़ा है पाम ऑयल का और आगे जो बढ़ने की संभावना है, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि देश में भी खाने के तेल की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है। जो रिटेल में जो कंपनियाँ हैं उन्होंने दाम कम किए हैं, बहुत कई बार दाम कम किए हैं और आगे भी जो हमने कई कंपनियों से बात की है उनका ये कहना कि 5 से 10 रुपये प्रति लीटर की गुंजाइश अभी त्योहारों के दौरान तेल कंपनियों की तरफ से कीमतों में कटौती की और है। तो ये पाम की पूरी कहानी है जिसका इम्पैक्ट आपकी हमारी जेब पर पड़ रहा है और दाम यहाँ पर कम हुए हैं और आगे भी होने की संभावना है।